देखिए उसूली तौर पे तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए लेकिन लेकिन मैं नहीं मांगूंगा। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आप जहाँ रहनी थी ना लोग तो निहायत घटिया और सतही ज़हनियत के लोग थे। वैसे ही उन्होंने आपकी ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। आप अच्छे से वहाँ रह ही नहीं सकती थी, इसीलिए बेहतर हो गया, अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो गई कि आज आप सब कुछ छोड़ कर आ गई वहाँ से। मैं अब कहाँ जाऊंगी? इस वक्त मैं आपको घर लेके जा रहा हूँ, आप रात आराम से वहीं गुजारिए, सुबह मैं आपके लिए कोई गर्ल्स हॉस्टल का इंतजाम कर दूंगा। नहीं, मैं इस वक्त आपके घर नहीं जा सकती। क्यों? देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, इस वक्त आप कहीं और नहीं जा सकती हैं। आप मेरे घर रह चुकी हैं, मेरे घर वालों से मिल चुकी हैं, इतना एतबार तो करना चाहिए अब आपको। बात एतबार की नहीं है, मैं इस वक्त आधी रात को आपके घर नहीं जाना चाहती। आपकी अम्मी भी पता नहीं क्या सोचेंगी। मैं आप प्लीज मुझे किसी शेल्टर होम छोड़ दीजिए। शेल्टर होम? देखिए शेल्टर होम लावारिस लोग जाते हैं, आप यतीम हैं लेकिन लावारिस नहीं। इस वक्त मेरी हालत लावारिसों से भी बदतर है। ऐसा लग रहा है ना सर पे आसमान है और ना पैरों तले जमीन। कितनी स्ट्रॉन्ग होती थी मैं, कितनी बहादुर। हमेशा यही सोचा करती थी कि कभी अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनने दूंगी, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। लेकिन आज मैं हार गई। आज मैं हार गई। इतना बेबस मैंने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया जितना आज कर रही। आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ गुजारूंगा। आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखो रिजा, जब पता था हारून को कि आज हड़ताल है तो उसे टाइम से ऑफिस से निकलना चाहिए था ना, अभी तक नहीं आया। तो चले अम्मी, आप परेशान ना हो, रास्ते में ही है, वो घर के करीब है, बात हुई थी ना अभी। रात का ये पहर हो रहा है और तुम कह रही हो कि परेशान ना हो, वो अभी तक आया नहीं है। हद होती है अम्मी, आ गए भाई। रुको जरा, मैं इसको खुद देखती हूँ, खुद बात करूंगी इससे। कहाँ थे तुम इस टाइम तक, कहाँ से आ रहे हो? वो मैं दरअसल एक मिनट, ये वही लड़की है ना, ये तुम्हारे साथ इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? वो अम्मी अंदर चल के बात करते हैं ना, आराम से सब बता दूँ। रुक जाओ, मुझे यही बताओ ये तुम्हारे साथ घर क्यों आई है, क्यों लाए उसको यहाँ पे? अम्मी आप क्या पूरे मोहल्ले को सुनाना चाहती हैं ये कहानी? मैं कह रहा हूँ ना अंदर तो आ लेने दीजिए, बताता हूँ सब। आप आइए अंदर बैठ के, बताता हूँ ना आपको सब। आ जाइए। इस वक्त वो बेचारी बेसहारा थी, मैं क्या छोड़ के आ जाता उसको, ले आया हूँ तो ले आया हूँ, सुबह को छोड़ दूंगा कहीं बस। कहाँ छोड़? मैं उसे हॉस्टल के कमरे में छोड़ाऊंगा किसी। क्यों, तुम उसके बॉडीगार्ड लगे हो? पूरी दुनिया में कोई और शख्स नहीं है उसे सहारा देने के लिए, एक तुम ही रह गए हो। मेरी बात सुन लो हारो,
पहले तो उस लड़की को ना मैंने एक बेसहारा समझ के और मुसाफिर समझ के अपने घर में पना दी थी, मगर अब ये रिस्क मैं नहीं ले सकती, हरगिज भी नहीं। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, जरूर तुम्हारा उस लड़की से कोई चक्कर है। हाँ है ना, मेरा उससे चक्कर है, पसंद है वो मुझे, करवा दे मेरी शादी। हारून, हारून, हारून मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। ऐसी लड़की को तुम इस खानदान की बहू बनाना चाहते हो, हैं? जिसका ना कोई आगे पता ना कोई पीछे,